हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैब की। वोकैब को हम याद करेंगे निमोनिक मेथड के द्वारा। ये मेथड क्या होता है मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, और ये एक बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशंस की। इस बुक के माध्यम से हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स को याद कर रहे हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि वोकैब एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वर्ड को, उसके मीनिंग को एक लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इसमें हम लोग निमोनिक मेथड में हम लोग एक एक वर्ड को अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट करके उसको याद करने का प्रयास करते हैं। ये जो ट्रिक है, ये जो टेक्निक है, विदेशों में एडॉप्ट की जा चुकी है। फॉरेन कंट्री में एक एक वर्ड को लाइफ करियर एग्जांपल से बच्चों को याद करवाया जाता है, और इंडिया में भी अब ये काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है। काफ़ी लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट दिल्ली के, इंडिया के। तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं भी आपको कुछ वर्ड आज दिखाऊँ, आपको याद करवाऊँ। अगर आप चाहते हैं वोकैब को याद करना, तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए, एक एक वर्ड को आप लिखिए, और हो सके तो वोकैब को जब भी आप लिखते हैं किसी भी वर्ड को, तो बोल बोल के लिखिएगा। आपको एक एक वर्ड जो है बोल बोल के लिखना है। इसके द्वारा क्या होगा, आप जो भी वर्ड बोलेंगे वो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में, और इस तरह से क्या होगा, आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी। वोकैब को याद करने के लिए आप बोल के एक वर्ड को लिखेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ बच्चों आपसे, ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप बहुत सारे वर्डों को काफी कम समय में याद कर पा रहे हैं। ठीक है, बात बहुत अधिक हुई, अब मैं करता हूँ इस वीडियो की स्टार्टिंग। सेट 2019 सेट में ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। आप राजेश्वरी पब्लिकेशंस, इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना। आप 19 के 19 सेट की वोकैब आप देख सकते हैं। हर एक सेट में कम से कम 30 से 35 वर्ड हैं, मतलब हम लोग आधे घंटे में 30 से 35 वर्ड आज याद करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ में विद नोटबुक एंड पेन। ठीक है, देखिए पहला वर्ड है हमारा कैपसाइज। कैपसाइज का मतलब होता है उलट जाना। अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा बड़ी कैप पहन रहा है, सर पे बड़ी कैप लगा ली, तो क्या होगा, उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, मतलब पलट जाएगा। रास्ते पे चल रहा है बड़ी कैप लगा करके, और आईज के सामने उसकी कैप आ रही है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पलटी खा जाएगा। रस्ते पर कभी भी गिर सकता है, औंधे मुंह, मतलब पलट सकता है। तो कैप साइज का मतलब, अगर कैप का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने इस एक वर्ड को याद करा, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ओवरटर्न, अपसेट, एंटोनिम्स स्टैंड एंड स्ट्रेटन। तो इस तरह से हम लोग वर्डों को याद करेंगे, निमोनिक मेथड इसी को बोलते हैं। देखिए बुक में जो एग्जांपल दिया गया, कैप का साइज इतना बड़ा था कि आप कैप के साथ उलट गए। इस बुक में हर एक वर्ड का एक एक एग्जांपल दिया गया है, और आपको याद कराने का इस बुक के माध्यम से प्रयास करा गया है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसको इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज तभी करना जब आप बिल्कुल लॉयल हों किताब के साथ, मतलब कि आप पढ़ेंगे तभी उस बुक को परचेज करना, अन्यथा बुक परचेज करके उसको किसी अपने बुक सेल्फ की शोभा प्लीज मत बनने देना। बच्चे बुक परचेज करते हैं, बुक रैक में लाके रख दी, दो तीन पेज पलटे, जोश करो उसमें स्टार्टिंग में, बाद में फिर मामला ठप। तो ये मत करना। अगर इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो के साथ में आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, तो आपको बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको लग रहा हो बेटर वैसा आप करिए। वर्ड नंबर टू में बात करते हैं हम लोग डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। डोसा कैसा होता है, जो आप डोसा खाते हैं डोसा वैसे स्ट्रेट होता है, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में। ये देखो, ये एक लड़की है, इसके सामने एक डोसा रखा हुआ है। डोसा कैसा है, डोसा बिल्कुल स्ट्रेट है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीधा साधा। डोसा कैसा होता है? सीधा साधा, स्ट्रेट मतलब ईमानदार। एग्जाम्पल में बोला गया है डोसा खाने वाले लोग कैसे होते हैं? ईमानदार होते हैं। साउथ का ये आइटम है, ये डिश है डोसा, तो वहाँ के लोग काफी लॉयल होते हैं, काफी ईमानदार होते हैं। तो आप इस तरह से इस वर्ड को याद करेंगे। सिनोनिम्स इसका होगा कंप्लेंट, मीक, एंटोनिम्स डिटरमाइंड एंड हेड स्ट्रॉन्ग। वर्ड नंबर थर्ड है हमारे पास ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। की वर्ड है, की का मतलब होता है इसको याद करने की चाबी, शॉर्टकट चाबी। ठीक है, इसका जो की वर्ड दिया गया है उसमें दिया गया है ग्रेग एंड गैरी। ग्रेग चैपल और गैरी क्रिस्टन मिलनसार कोच हैं। ग्रेग एंड गैरी दोनों ही क्या हैं? कोच हैं। दोनों ही क्या आपस में मिलनसार हैं। इन दोनों की तस्वीर आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फ्रेंडली एफेबल, एंटोनिमस अनफ्रेंडली एंड अनसोसिएबल। ग्रीगेरियस का मतलब क्या हो गया? मिलनसार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जो है वो है हैवॉक। हैवॉक का मतलब होता है विनाश, तबाही। कीवर्ड है इसका हवा। हवोक से बना हवा, हवा का मतलब। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि हवा का झोंका आया, तबाही कर गया। हैवॉक का मतलब हवा, हवा आते क्या हो गई? तबाही मच गई। बड़ा तेज तूफान आता है तो क्या होता है? जो गरीब लोग होते हैं उनकी जो छोटी सी जो घर होता है जिसे हम हट बोलते हैं, झोपड़ी बोलते हैं, वो क्या होती है? तबाह हो जाती है। तो हैवॉक से बना हवा, हवा का मतलब विनाश, तबाही। सिनोनिम इसका होगा कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफी, एंटोनिमस पीस एंड हार्मोनी। फाइव जो वर्ड है वो है मर्की। मर्की का मतलब होता है संदेहास्पद, मतलब धुंधला। की वर्ड है इसका मरकरी। मरकरी खाने के बाद मकड़ी को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। देखिए मरकरी, मरकरी का मतलब धुंधला। मरकरी को जो ज्वाइंट करा गया है, ये आपको छोटी सी मकड़ी दिखाई दे रही है, मकड़ी ने मरकरी खाई, उसके बाद क्या हो गया? इसकी आंखों में इफेक्ट आया, इसको क्या हो गया? धुंधला दिखाई देने लगा। तो मरकरी से मतलब बना है धुंधला। सिनोनिमस क्लाउडी, डार्क, एंटोनिमस क्लीन एंड ब्राइट। वर्ड नंबर सिक्स है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है निरीक्षण करना, मतलब किसी चीज को परखना। तो इसका कीवर्ड होगा ओवर। ओवर का मतलब होता है देखा। एग्जाम्पल, उसने शोएब अख्तर के पूरे ओवर को देखा और उसका निरीक्षण किया, उसको मॉनिटर करा कि उसने कहाँ पर बॉलिंग में मिस्टेक करी। तो इसका जो सिनोनिमस होता है वो होता है सुपरवाइज, ओवरलुक, एंटोनिमस इग्नोर एंड नेगलेक्ट। वर्ड नंबर सेवन है रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है चमकीला। आपने रेडियन देखा? रेडियन जो खोज हुई थी तो वो कैसा था? एक चमकीला सा मेटल था। तो रेडियंट से आप याद करिए चमकीला। की वर्ड है इसका रेडियम के दांत। अगर आप लोग रेडियम के दांत लगा लें तो क्या होगा? ये जो रेडियम अगर मैं दांतों में लगा दूं तो आपके दांत कैसे होंगे? चमचम, चमकेंगे। तो रेडियम के दांत बहुत क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। ब्रिलियंट सिनोनिमस है इसका, और लुमिनस। एंटोनिमस क्या होता है इसका? डार्क एंड डिम। अगर आप कोई सीएफएल परचेज करते हैं, एलईडी परचेज करते हैं, ट्यूबलाइट लेने जाते हैं, तो वहां पे आप लुमिनस चेक करते हैं, इसका लुमिनियस क्या है। लुमिनियस जिसका ज्यादा होगा उसकी लाइट की ब्राइटनेस उतनी अधिक होगी। तो आपने ये चीज गौर करी होगी बच्चों। तो रेडियंट का मतलब क्या है? चमकीला। हम इस तरह से हम लोग वर्डों को याद कर रहे हैं। हम आ गए क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर, स्कैनिंग में थोड़ा दिक्कत है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत गरीब। अब जैकेट, इसका कीवर्ड है अब जैकेट। अब हमारी जैकेट बहुत पुरानी हो चुकी है, दयनीय स्थिति में हो चुकी है। तो अब जैकेट से याद करा, अब जैकेट। लोगों की जैकेट बहुत जल्दी क्या होती है? दयनीय अवस्था में हो जाती है, क्योंकि उसको लोग डेली ड्राई क्लीन नहीं करा पाते, बहुत कम कम उसको वॉश करते हैं, तो वो क्या होती है? बहुत जल्दी गंदी लगती है देखने में। तो दयनीय अवस्था में क्या होती है? जैकेट।
तो इसका वर्ड क्या बना, अब्जेक्ट। तो आप इस तरह से सिनोनिमस क्या होगा इसका, डिजेक्टेड, बेस, एंटोनिमस, एक्सलेक्टेड एंड एक्सीलेंट। वर्ड नंबर 12 है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब होता है सुस्त। इसका की वर्ड है तारपीन। एग्जाम्पल है इसका, तारपीन का तेल पीने के बाद वह सुस्त हो गया। सिनोनिमस इसका है लेजी एंड डोरमेंट, एंटोनिमस एनर्जेटिक एंड लाइवली। वर्ड नंबर 13 है एवाराइस। एवाराइस, एवाराइस का मतलब होता है लालची, कंजूस, मक्खी चूस। ठीक है, कीवर्ड क्या है इसका, इनका वारिस। एवारिस से बना है वारिस, वी ए आर आई सी ई, ये क्या हो गया, वारिस बन गया। ठीक है, वारिस जो कोई इंसान कभी किसी चीज का बनता है तो वो क्या होता है, लालची हो जाता है। यार लाखों रुपए मिलने के बाद भी उसको लगता है कि उसे कम मिला है, काश उसको वो चीज भी मिल जाती, उस जगह का प्लॉट था वो मिल जाता तो ज्यादा मजा था। तो क्या होता है, वारिस जो इंसान बनता है वो हमेशा क्या होता है, लालची होता है। एग्जाम्पल दिया गया इसमें, देखो इनका वारिस के अंदर बहुत लालच है। सिनोनिमस क्या है इसका, कोवेटसनेस, एंटोनिमस जेनरोसिटी एंड फिलान्थ्रोपी। वर्ड नंबर 14 एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्राउड हो। तो की वर्ड इसका याद करने का है आरोग्य, ए डबल आर ओ जी ए, एरोगा, एरोग्य, इसको ये बोलेंगे एरोगा से बना है आरोग्य। तो इसका एग्जाम्पल है आरोग्य व्यक्ति क्या होते हैं, घमंडी होते हैं। तो सिनोनिमस इसका बनेगा egoistics, haughty, antonymous, meek and servile. Word number 15. Word number 15 में होगा animosity, मतलब दुश्मनी। देखो एनी लोगों का नाम होता है, लड़की का नाम मैक्सिमम आपने देखा होगा एनी, एनी की मौसी, मतलब अन्नी बोलो या एनी बोलो। तो अन्नी की मौसी कैसी है, काफी झगड़ालू है। आप देख रहे हैं फोटो में, ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे अन्नी की मौसी, लड़कियों का नाम अन्नी भी होता है, तो उसकी जो मौसी है कैसी है, झगड़ालू है, मतलब हैट्रेड, एंटीपैथी, एंटोनिमस, इसका उल्टा अर्थ होगा गुडविल एंड लव। वर्ड नंबर 16, 16 में ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है शुभ, मांगलिक, कहते हैं ना ऑस्पियस ओकेजन। आपने कभी मैरिज के कार्ड देखे होंगे तो उसमें लिखा होता है ऑस्पीसियस, मतलब मांगलिक कार्यक्रम, मतलब शुभ कार्यक्रम, लगन इस टाइम पे है, मुहूर्त इस टाइम पे है, बरात का प्रस्थान इस समय पे होगा, तो उसके ऊपर ये वर्ड लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है मांगलिक कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम, किस किस टाइम पे होंगे, कौन कौन सी डेट में होंगे, वो सब कार्ड के अंदर आपको मिलता है। तो ऑस्पीसियस का अगर आप लोग कीवर्ड याद करें, ऑस्पीसियस का जो कीवर्ड है वो है आसपास, ऑस्पीस, ऑस्पीसियस, आसपास, ऐसे बोलिए आप। ठीक है, एग्जांपल है हमारे आसपास सब मांगलिक एवं शुभ है, हमारे आसपास का जो माहौल है वो क्या है, काफी प्योर है, मांगलिक है। सिनोनिमस क्या होगा उसका, एडवांटेजियस, फेवरेबल, एंटोनिमस, ओमिनियस एंड अनफॉर्चुनेट। वर्ड नंबर 17, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब सनकी। इसका जो कीवर्ड है वो याद करने का कीवर्ड होगा इस सेंटर। आप कहीं पे एग्जाम देने गए, वहां के सेंटर के एसेंट्रिक से सेंटर बनाए, आप सेंटर पे गए तो वहां पे जो भी फैकल्टी थी, जितने भी लोग थे, सब आपको सनकी लगे। सनकी कैसे, आप एंट्री गेट पे एंट्री करने गए तो सबने ये बोला कि बैग बाहर रखो, बैग की एंट्री अंदर नहीं होगी, मोबाइल की एंट्री अंदर नहीं होगी। लेकिन कॉमन सी बात है कि सबके पास आज के टाइम पे मोबाइल होता है, फैमिली से कम्युनिकेट हमको करना है तो मोबाइल चाहिए, हम बाहर मोबाइल कहाँ रखें, मेन रोड पे, बैग कहाँ रखें, सड़क पे फेंक दें, क्योंकि काफी स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये रूल्स अप्लाई हो चुका है कि कोई भी अगर स्टूडेंट बैग लेके आता है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ के सेंटर के लोग ना सब सनकी हैं। एसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, सनकी। तो इस तरह से आप लोग बच्चों वर्डों को याद करेंगे। वीडियो के साथ अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो वीडियो के साथ में करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं कई सारे एग्जाम्पल गिनवाऊंगा, एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊंगा, तो शायद आप वीडियो के माध्यम से अच्छी स्टडी कर सकें अगर आपके पास टाइम कम है।
और मेहनती आप ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि आप बुक के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, तो आप बुक को बाय कर सकते हैं। लेकिन पढ़िएगा जरूर, चाहे वीडियो से पढ़ें चाहे बुक से पढ़ें, टारगेट ये है कि वोकैब को याद करें, चाहे कैसे भी करें। ठीक है, वर्ड नंबर 18 में हम पढ़ते हैं डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है दक्षता, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है दक्षता। कीवर्ड है इसका डेस्क तेरी, डेस्क तेरी, डेस्क तेरी। जिसने भी बनाई है वो काफी निपुण है, मतलब उसके अंदर एक आर्ट है, कला है, वो मतलब एक्सपर्ट है, उसके अंदर एक्सपीरियंस है। तो डेक्सटेरिटी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। सिनोनिम्स क्या है इसका, एड्रॉइटनेस, डेफ्टनेस, एंटोनिमस, क्लमसीनेस एंड इनएबिलिटी। जिसके अंदर एबिलिटी ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, इनएबिलिटी। नाइनटीन स्लोथ, स्लोथ का मतलब होता है आलस्य। कीवर्ड है इसका स्लो, स्लो का मतलब स्लो। स्लो काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, काफी आलस्य से भरे होते हैं। अगर कोई इंसान दिन भर सोए रहे उसको कोई काम दो करने के लिए, तो वो काम कैसे करेगा, वो काम करेगा स्लो मोशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं लेजीनेस बच्चों, लेथार्जी। मोस्ट टाइम की वर्ड है लेथार्जी, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया लेथार्जी का सिनोनिमस क्या होता है, तो आपको ABCD चार ऑप्शन देगा, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उस पर मैं ऐसे ही हाईलाइट करूंगा। तो लेथार्जी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार पूछा गया, इसको नोट करिए। लेथार्जी का मतलब होता है आलस्य से भरा हुआ। एंटोनिमस इसका होगा बिजीनेस और डिलीजेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टालवार्ट। स्टालवार्ट का मतलब होता है बहादुर। की वर्ड है इसका एक्स्ट्रा टाल, मतलब स्टालवार्ट का मतलब एक्स्ट्रा टॉल। जो इंसान काफी लंबा होगा तो वो कैसा होगा, बहुत बहादुर होगा। कैसे, वो किसी भी अगर वॉर में भाग लेगा, कहीं पर भी अगर झगड़ा करेगा, तो बहुत जल्दी लंबे पांव के द्वारा वहां से फरार हो सकता है, मतलब बहादुर इंसान है। देखिए इसमें जो एग्जाम्पल दिया है बुक में, इसने बोला है कि एक्स्ट्रा टाल लोग जो वॉर में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। या फिर आपको इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं सरहद में, वो हमेशा क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, एक्स्ट्रा टॉल होते हैं। तो मतलब वो दिखने में कैसे लगते हैं, बहुत ही बहादुर, काफी डेयरिंग, काफी पावरफुल लगते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका, वेलियंट, करेजियस, एंटोनिमस, मीक एंड वीक। वर्ड नंबर 21 एम्बलेट्री, AMBUL, एम्बलेट्री मतलब चलने में सक्षम या चलायमान। इसको इस तरह से पढ़िएगा भी कुछ, ठीक है ना, AMBU अंबा का लेटर, एम्बुलेटरी लेटर से बना, LATOR का मतलब लेटर यहां पर, तो अंबा का लेटर आया है। अम्मा बोलो या अम्बा बोलो, यहाँ पे बी इसलिए लगाया हमने क्योंकि वहां पे स्पेलिंग में बी आ रहा है, तो इसमें अम्बा का लेटर आया है, वह अब चलने में सक्षम हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ होगा, तो वहां से एक लेटर आया गांव से कि अब वो चलने लगी है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अम्बा का लेटर का मतलब ये है कि चलने में सक्षम। सिनोनिम्स क्या है इसका, मोबाइल एंड वॉकिंग, एंटोनिमस स्टेडी एंड स्टिफ। वर्ड नंबर 22 एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है मानसिक क्षमता। एप्टीट्यूड टेस्ट आपने सुना होगा, एग्जाम में एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, आपकी मानसिक क्षमता को चेक कराया जाता है उस एग्जाम के द्वारा। तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, कोई कीवर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और कई बच्चों को इसका मीनिंग पता होगा। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, मेंटल एबिलिटी, टेंडेंसी, एंटोनिमस, इनएप्टीट्यूड एंड स्किलनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिश वेल्ड। डिश वेल्ड मतलब अस्त व्यस्त। की वर्ड है इसका दिस हवेली। एग्जाम्पल, यह हवेली बहुत क्या है, गंदी है। दिस हवेली इज वेरी डर्टी। तो सिनोनिमस क्या है इसका, अनटाइडी, अनकैम्प्ड, एंटोनिमस, नीटन एंड ऑर्डर। 26 है ऑडासियस।
ऑडासियस का मतलब जिद्दी और हट्टी। कीवर्ड है ऑडी गाड़ी कैस, ऑडा से बना ऑडी, ऑडी कैसी है गाड़ी, ऑडासियस सीएस से बना कैश, मतलब ऑडी गाड़ी कैश पर ही लेगा। इसके लिए वह अपने घर में जिद कर रहा है, हट कर रहा है कि मुझे ऑडी गाड़ी ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि ऑडी के लिए क्या करते हैं, हमेशा जिद करते हैं, तो ऑडासियस से बना है जिद्दी हट्टी। ठीक है, तो ये वर्ड भी काफी अच्छा वर्ड है, इसको लिखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, रिसोल्यूट, डॉन्टलेस, एंटोनिमस माइल्ड एंड मॉडेस्ट। 30 वर्ड क्वेश्चन, वर्ड नंबर 30 हमारा एड जॉन। एड जॉन का मतलब होता है स्थापित करना। कीवर्ड है इसका आधी जर्नी के बाद मैंने इसे स्थगित कर दिया। एड जॉर्न मतलब किसी चीज को बीच में रोक देना। जैसे आप देखते हैं कोर्ट में जब आप जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, द कोर्ट इज एड जॉर्न बोलता है ना हमेशा जो जज बैठा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी केस की सुनवाई को बीच में अगर स्थगित करा जाता है, मतलब टेम्परेरी रोक देते हैं, उसको बोलते हैं एड जॉर्न। सिनोनिमस क्या होगा इसका, डिसकंटिन्यू, पोस्टपोन, एंटोनिमस फर्दर या कीप ऑन। वर्ड नंबर 31 है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर। कीवर्ड है ऐसा ट्यूट। एग्जाम्पल, ऐसा ट्यूट या ट्यूटर पर कोई होशियार व्यक्ति कर सकता है। एस्ट्यूट का मतलब होता है ट्यूट से बना ट्यूटर। तो ट्यूटर कैसा होता है, ट्यूटर हमेशा क्या होता है, बहुत समझदार होता है। आप इस तरह से वर्डों को याद करेंगे। सिनोनिम्स का होगा इसका एड्रॉइट, शेयर्ड, एंटोनिमस डम्ब एंड असाइनिंग या एसी नाइन। वर्ड नंबर 32 ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। ऑग से बना है आग, ऑग से बना है आग। आग में अगर घी डालोगे तो क्या होगा, आग हमेशा बढ़ जाएगी। तो मतलब सिनोनिम्स का होगा एम्पलीफाई, एनलार्ज, एंटोनिमस, लेसन एंड डिक्रीज। 33 है हमारा वर्ड प्रीपोंडेरेंस। प्रीपोंडेरेंस मतलब अधिकता। कीवर्ड है इसका पॉन्ड। प्री पॉन्ड से बना पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। तालाब में रोमांस करने से हमारे जीवन में सुख की अधिकता हो जाती है। बुक का एग्जाम्पल ये है। आप इसके एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं या अपना कोई एक नया एग्जाम्पल बना सकते हैं। सिनोनिम्स इसका क्या होगा, डोमिनेंस, एबेंडेंस, एंटोनिमस, स्कैर्सिटी एंड डर्थ। बच्चों ये था हमारा निमोनिक मेथड कि हम एक एक वर्ड को याद कर रहे थे रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ में। तो निमोनिक आप भी अपने बना सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक दिन का कोई ये खेल नहीं है कि आप एक घंटे में आपने प्रैक्टिस करी और आपने निमोनिक बनाने तैयार कर दिए। ये थोड़ा सा एक प्रयास है, एक प्रोसेस होता है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। आप सारी वीडियो देखिए, इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करी है। राजेश्वरी पब्लिकेशंस के नाम पे मैंने कम से कम 19 वीडियो इसमें अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स अपने बनाइए और अपने निमोनिक 10 वीडियो के बाद अपनी प्रैक्टिस करना निमोनिक बनाने की। और रियल में आप देखना निमोनिक बहुत जल्दी बनाने लगेंगे। वर्ड नंबर 34 है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। तो कीवर्ड है इसका प्राइम मिनिस्टर। प्रोमी का मतलब प्राइम, नेंट का मतलब मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे अगर भारत का है तो कॉमन सी बात है, काफी प्रसिद्ध है, विख्यात है, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस पर्सनैलिटी। सिनोनिमस इसका होगा नोटिसिएबल और रिमार्केबल। एंटोनिमस इनविजिबल एंड सनकेन। वर्ड नंबर 35 प्रोडिगल। मोस्ट टाइम पे 2017 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मीनिंग जो होता है वो होता है खर्चीला। कीवर्ड है पूरी रोड। प्रो से बना पूरी रोड, ये जो रोड है इससे बना है रोड। तो पूरी रोड को गलाना बहुत खर्चीला काम है। प्रोडिगल, गल का मतलब गलाना।
पूरी रोड को अगर आप गलाने बैठोगे तो कितना खर्चा आएगा आप सोचो। तो मतलब ये क्या है कि एक खर्चीला काम है, इसका मीनिंग क्या हो गया, खर्चीला। सिनोनिमस इसका होगा एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, एंटोनिमस माइजर एंड थ्रिफ्टी। तो बच्चों ये हमने मात्र 25 मिनट में हमने 35 वर्ड आज देखे। हर एक वर्ड को हमने निमोनिक मेथड से कनेक्ट करा और वर्डों को याद करा हमने आज। बच्चों ये रिवाइज वर्ड हैं जो इस वीडियो में आपको अभी देखने को मिले थे, 1 से लेकर 35 के सभी ये वर्ड हैं। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें, इन सभी वर्डों के मीनिंग आपको कितने याद हैं आप लिखिए अपनी नोटबुक में। अगर याद ना हो तो इस वीडियो को अगेन वॉच करें और ध्यान से वॉच करें और निमोनिक भी याद करें। मतलब कोई भी वर्ड है, जैसे प्रोडिगल है, नोट्स में लिखिए प्रोडिगल, आगे लिखिए पूरी रोड, इसका कीवर्ड, फिर लिखिए खर्चीला। अब आप याद करिए, बनाइए निमोनिक कि क्या था, पूरी पूरी रोड जो मैंने लिखा था इससे मेरा कीवर्ड क्या था, इसको एक्सप्लेन करिए इस कीवर्ड को। इस तरह से आप लोग वर्डों को बच्चों याद कर पाएंगे बड़े आराम से। ये सारे वर्ड हैं सामने आपके दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आप करिए, प्रैक्टिस करिए इनके साथ में, देखिए आपको कितना याद रहा, कितना भूले। तो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई वॉकअप के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। मैं नहीं चाहता कि ये एक वीडियो इस चैनल के अंदर तक ही सीमित रहे, मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी एस्पिरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो महंगी महंगी कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकता, दिल्ली जैसे स्टेट में जा करके नहीं रह सकता, रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन इसकी वीक हो सकती है वो नहीं जा सकता, या फैमिली में सिंगल मेंबर है तब नहीं जा सकता, बहुत सारे रीजन होते हैं बच्चे दूसरी स्टेट में जाकर के डेडिकेटेड स्टडी नहीं कर पाते। तो उन तक प्लीज इस वीडियो को पहुंचाने के लिए एक छोटा सा कष्ट करें, शेयर पे क्लिक करें, आपका कोई भी फ्रेंड है उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और आपका कोई भी कमेंट हो मुझे आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपनी कोई भी राय। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।